दोस्तों नमस्कार। टिक्की मैथ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयवीर सिंह आपको लेकर चल रहा हूँ मैथ्स के अगले टॉपिक की तरफ। अभी तक हमने मैथ्स में बेसिक मैथ्स में जोड़, बाकी, गुणा और भाग ये सिखाया। उसके बाद एलसीएम को चर्चा की। अब हम आप लोगों को एचसीएफ की तरफ लेके चल रहे दोस्तों। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इंग्लिश में इसका शॉर्ट नाम है, इसका पूरा नाम होता है हाई कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थात बड़े से बड़ा पहाड़। तो दोस्तों हमारा एक यही प्रयास है मैथ में जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको हम बेहतर करके दिखा पाएँ, बेहतर सीख दे सकें, ताकि वो आगे कैलकुलेशन में कोई परेशानी ना अनुभव करें। दोस्तों हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे जो भी नए नए वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलते हैं यार दोस्तों एचसीएफ की परिभाषा की तरफ, देखते हैं क्या होती है परिभाषा इसकी। तो जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक संख्याएं, दो या दो की अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित कर दे। अर्थात जो संख्याएं हमें दी गई हैं उन संख्याओं में ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो जिसका कि हम भाग दें तो उनमें पूरा पूरा भाग चला जाए। कहने का मतलब इसकी एक ट्रैक से समझते हैं कि महत्तम समापवर्तक एक बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है जिससे कि दी हुई संख्या विभाजित हो जाती हैं। दोस्तों इनके एचसीएफ के कुछ सवालों को हम करके देखते हैं इन्हें किन प्रकार से किया जा सकता है। इन्हें करने के लिए तीन विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। सबसे पहली गुणनखंड विधि है, उसके बाद भाग विधि है, उसके बाद अपवर्तक विधि है। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि 16 और 14 का एचसीएफ याद करो। तो इस सवाल को हम तीन विधियों से हल करेंगे। पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम 16 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 16 का देखते हैं इसको किस संख्या से विभाजित होता है। 16 यहाँ 2 से कटेगी, 2 अट्ठे 16, 2 से 8 कटे 4 बार, 2 से 4 कटे 2 बार, 2 से 2 कटे 1 बार। इसी प्रकार इधर आते हैं, इधर 2 से कटा 24 12 बार, 2 से 12 6 बार, 2 से 6 3 बार, 3 3 से कटेंगे 1 बार। अब इन्हें अपन मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे 2 गुणा 16 के, 16 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने बार है 4 बार। इसी प्रकार से 24 के बराबर में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमें ये देखना है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी संख्याएं हैं जो कि दोनों में ओवेनिस्ट हों, कॉमन हों। देखिए यहाँ पर ये दो दोनों में मौजूद हैं, इधर ये दो दोनों में मौजूद हैं, इधर ये दो दोनों में मौजूद हैं। तो कहने का मतलब 2 एक बार, 2 दो बार, 2 3 बार, कुल मिलाकर के तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, 2 2 4 4 2 8, अर्थात 16 और 24 का एचसीएफ कितना आएगा 8। यानी 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, 8 वो बड़े से बड़ा पहाड़ा है जिससे कि 16 और 24 पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। अब चलिए इसी सवाल को भाग विधि से किस प्रकार से करें, भाग विधि से क्या करेंगे इस सवाल को भाग विधि से करने के लिए हमारे पास दो संख्याएं हैं 16 और 24। एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देंगे
16 का भाग 24 में दिया हमने, तो 16 एकन 16 घटाएंगे तो 8 शेषफल बचेगा। ये 8 शेषफल है, इस शेषफल का भाग पुनः 16 में दे देंगे तो 8 से 16 दो बार कटेंगे, 16 कुछ नहीं बचा। अर्थात 8 से 16 पूरी तरह से विभाजित हो गए तो अपना आंसर एचसीएफ इसका 8 आ जाएगा। ये हुई भाग विधि। तीसरी विधि होती अपवर्तक विधि। हमारे पास दो संख्याएं 16 और 24, दोनों के अपवर्तक निकालेंगे। 16 के अपवर्तक होते हैं 1, 2, 4, 8, 16। अर्थात ये जो संख्या है इन संख्याओं का भाग 16 में पूरी तरह से चला जाएगा, इन संख्याओं से 16 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से 24 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, इन सभी संख्याओं से 24 पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। अब इन दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक कौन कौन से हैं उन्हें देखना है। देखिए एक इसमें भी मौजूद है, एक इसमें भी मौजूद है, दो इसमें भी मौजूद है, दो इसमें भी मौजूद है, चार इसमें भी मौजूद है, चार इसमें भी मौजूद है, आठ इसमें भी मौजूद है, आठ इसमें भी मौजूद है। जो दोनों में मौजूद हों उन सभी अपवर्तकों को यहाँ पर हमने लिख लिया 1, 2, 4, 8। इन चार संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8। अर्थात 8 वो पहाड़ा है जिससे 16 और 24 दोनों पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। अर्थात 16 और 24 का एचसीएफ कितना होगा? 8 आंसर होगा। दोस्तों एचसीएफ के सारे सवाल इन्हीं कायदों के आधार पर चलते हैं। आपको जौन सा कायदा अच्छा लगे उस विधि से आप सवाल को हल कर सकते हैं। दोस्तों बेसिक मैथ से हमारा यही प्रयास है कि बच्चों की कठिनाइयों को दूर कर पाएँ, यही हमारा छोटा सा प्रयास रहेगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में आगे की टॉपिक जो है दशमलव की जोड़ बाकी और गुणा भाग पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों को। गुड लक, गुड नाइट।